कभी सोचा है हमें इंजेक्शन देने से पहले जब इंजेक्शन के शीशी को तोड़ा जाता है तब क्या उसमें गिरे हुए कांच के टुकड़ों को हमारे खून में ही इंजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि आप क्लियरली कांच के टुकड़ों को दवाई में गिरते हुए देख पा रहे हैं। और जब हमने एक दवाई को माइक्रोस्कोप के अंदर 200 गुना जूम करके देखा तो हमें उसके अंदर कुछ ज्यादा ही कांच के टुकड़े मिले। तो इसका मतलब दवाई के साथ साथ कांच भी हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। देखो आमतौर पर नर्सेस दवा निकालने से पहले शीशी को उलट देते हैं और शीशी को पूरी तरह से खाली करने के बजाय उसके नीचे थोड़ा सा दवाई छोड़ देते हैं। इसके अलावा भी सिरिंज की सुई का साइज 0.6 मिलीमीटर से कम होता है जो कि ज्यादातर कांच के टुकड़ों के तुलना में छोटा है।